हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की, जिनका आपने आवेदन किए थे यूजी पीजी कोर्स के लिए, उसका जो रिजल्ट एग्ज़ाम है वो हो चुका है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे उसकी जो रिज़ल्ट आप कैसे देख सकते हैं, और साथ साथ उसका जो कट ऑफ है उसके बारे में भी आपको हम इस वीडियो के बारे में जानकारी देंगे। और उसकी जो काउंसलिंग कैसी रहेगी, किस तरह का शेड्यूल रहेगा, उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो बन रही इस वीडियो के साथ, उस वीडियो को आप अंत तक देखिए, हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com। और वेबसाइट पर जाने के लिए हम टाइप करेंगे gayatrijobs.com और सर्च हेयर में सर्च करेंगे MGKVP वाराणसी एंट्रेंस एग्ज़ाम, और हम इस पोस्ट को ओपन करेंगे जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे कि डायरेक्टली आप आके अपनी जो काउंसलिंग है, फीस वगैरह सब आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट में चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका जो रिजल्ट आपको चेक करना है वो कैसे करना है। यहाँ पर हमने जो लिंक दिया हुआ है MGKVP वाराणसी एडमिशन रिजल्ट 2018, आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर आपने जो रोल नंबर है वो आपको डालना होगा। दोस्तों, अभी ये ओपन हो रही है, यहाँ पर आप जो दिखा देते हैं, सबसे पहले आप एनरोलमेंट जो नंबर है वो डाल लेंगे, अपना नीचे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है आपके सामने आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी जो कट ऑफ रहेगी उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि कितनी कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। उसके लिए हमने अपनी वेबसाइट पर ही आपको PDF दी हुई है, आपको वो PDF ओपन करनी है। यहाँ पर दिया हुआ है महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सत्र 2018-19 कट ऑफ मेरिट प्रथम सूची, ये उन्होंने फर्स्ट जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। यहाँ पर कोर्स नेम दिया हुआ है, कैटेगरी और मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपने जो रिजल्ट आपने देख लेंगे, देख के वहाँ से अपनी जो कट ऑफ है वो देख सकते हैं कि एडमिशन फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें कहाँ तक रहने वाला है। तो उसकी जो सेकंड लिस्ट जारी होगी उसमें भी हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या कितनी कट ऑफ रही है, तो आप यहाँ से अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। दोस्तों, हमने इसमें जो आपका रिजल्ट है वो बताया कैसे आप इस लिंक पर आप क्लिक करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ से लिंक पर आप क्लिक करके इसका जो PDF में आपको कट ऑफ पता चल जाएगी जो फर्स्ट सूची है। और नेक्स्ट जो चलते हैं काउंसलिंग वाली अपनी साइट पर ही, वहाँ से आपको काउंसलिंग के बारे में पूरी डिटेल बताते हैं काउंसलिंग में क्या क्या रहेगा। उससे पहले जो उसका फीस स्ट्रक्चर है, अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो है वो नहीं देखी है तो आपको यहाँ से इस वाले लिंक पर क्लिक करके जो उसका फीस स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं। वेबसाइट है इनकी, इस पर यहाँ पूरा फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, BA के लिए कितनी फ़ीस है, BCom के लिए कितनी फ़ीस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। तो इसमें जितनी सीटें हैं उसकी जो फ़ीस है तो सब आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि जो काउंसलिंग शेड्यूल जो रहेगा उसके लिए आपको बता देते हैं, हम अपनी जो काउंसलिंग वाली जो पोस्ट है उस पर चलते हैं। यहाँ पर जो काउंसलिंग का पूरा डिटेल दी हुई है, यहाँ पर दिया हुआ है काउंसलिंग हेतु विशेष निर्देशांक जो है, तो आप काउंसलिंग में क्या क्या रहेगा वो सब यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है इस PDF में, तो आप इसको रीड करके अच्छी तरह से काउंसलिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें जो लिखा है प्रवेश परीक्षा परिणाम में काउंसलिंग से संबंधित सभी सूचनाएँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा कट ऑफ मेरिट लिस्ट काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसको विश्वविद्यालय की उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है। कट ऑफ मेरिट लिस्ट के अनुसार अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना समाचार पत्र मोबाइल मैसेज पर आपको भेज दी जाएगी, जो कि आपने इसमें अपना मोबाइल नंबर मेंशन किया उस पर आपको मैसेज भेज दिया जाएगा। काउंसलिंग हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म सत्यापन फॉर्म डाउनलोड कर अन्य सभी अंक पत्रों प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दिखाया गया है सहित सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फोटोकॉपी के साथ काउंसलिंग शेड्यूल में दी गई तिथि और समय के अनुसार अपने काउंसलिंग सेंटर पर अवश्य उपस्थित हों, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसमें जो नेक्स्ट दिया हुआ है प्रवेश हेतु चुने गए अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति एवं आय प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 अगस्त 2015 के पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहिता अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से एवं आय प्रमाण पत्र पति के नाम से बना होना चाहिए। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो रहेगा, इसमें जो लिखा हुआ है इन्होंने,
उपरोक्त निर्धारित सीट के अनुसार अभ्यर्थी के प्रवेश सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी प्रवेश सूची का अवलोकन अवश्य करें। सूची में अपना नाम मिलाकर वेबसाइट पर दी गई अंतिम तिथि तक शुल्क, चालान और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से आवश्यक जमा कराएं, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी प्रवेश अनुमति एडमिशन परमिशन लेटर विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर संबंधित संकाय विभाग संस्था से अवश्य जमा कर दें। तो दोस्तों, इसमें हमने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है कि जो जो इसके अंदर निर्देश दिए, तो ये काउंसलिंग के, तो आप अच्छी तरह से रीड कर लें और उनको आप अप्लाई करें। तो इसमें वीडियो में हमने आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, काउंसलिंग जो कट ऑफ है वो आपको बताई, काउंसलिंग कैसे करनी है वो आपको बताई है। तो आपको हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप हमें वीडियो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में से काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड रहेगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे दोस्तों, और साथ में कितनी फ़ीस, कैसे आपको जमा करनी है फ़ीस, वो भी हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उसके लिए आप हमारी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हम आपके रिलेटेड जो वीडियो अपडेट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।